और क्या हाल है यूट्यूब के ऑडियंस का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत लंबे वक्फे से आप लोगों से मुलाकात हुई है क्योंकि शादियों के बाद इतनी थकावट हो गई थी कि आराम से रिलैक्स किया था कुछ दिन चार पाँच। और सीन कुछ ऐसे है कि आज हम लोग निकल रहे हैं, हमारा इरादा है दाता दरबार जाने का और हम लोग चल रहे हैं दाता दरबार क्योंकि शाहजमान ने कोई देख मानी नहीं थी उनके चचा साई के लिए, वो जो जीते हैं तो शाहजमान ने कहा फिर आज जो है वो फर्ज पूरा कर दें और आज हम लोग देख देने के लिए जा रहे हैं दाता दरबार। चलते हैं दाता दरबार, आप लोगों को भी दिखाते हैं और फिर वहाँ का कोई देसी फूड खाते हैं और सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको रहना होगा हमारे साथ, तो चलें हमारे साथ और निकल पड़े हैं हम लोग दाता दरबार के लिए। सफ़र खूब लंबा है तो इस सफ़र को काटने के लिए अभी हम थोड़ी सी गपशप लगाएंगे शाहजमान के साथ, थोड़ी सी गपशप लगाएंगे बच्चों के साथ और तब तक के लिए जो है वो आप लोग हमारे साथ बने रहे। सफर गुजारने का जो है ये तरीका ढूंढ लिया है। ये जो आपको शाहजमान गाने सुनने का शौक आया हुआ ना सफर काटने के लिए, आपको ये पता है एक तो इस पे कॉपीराइट आएगी, एक जो है वो हम दादा दरबार जा रहे हैं तो हमें कुछ नेक वो करने चाहिए वजीफे। बताएं अब आप इस सिलसिले में रोशनी डालें आपके पास टेप। और तीसरी बात भी सुन लें कि आपने अभी ये जो आज ये नई गाड़ी कल आई है गाइस हमारे घर, तो शाहजमान आपने जो गाड़ी नहीं ली है इसकी हमें ट्रीट नहीं दी, तो अब आप बताएं ये तीनों मुद्दों पे रोशनी डालें आप। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आज ट्रीट लेने जा ही रहे ना, देसी ट्रीट ढाबे वाली रोटी खाएंगे। अब ये ना अब हलीम खिला रहे हो हमें, दाल रोटी खिला रहे हो, शाही दाल वो भी तो लोग खाते ही हैं। लोग खाते हैं, हमारे मैदे नहीं इजाजत देते। आपको पता है कि कुछ भी हम ओल्ड फोल्ड खाएं तो हमारे मैदे खराब होते हैं। गाइस अभी 14 अगस्त दूर है लेकिन झंडा पाकिस्तान का बहुत बड़ा लगा नजर आया था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कल मूवी देखी है डोंकी, तो कैसी लगी आपको डोंकी? डंकी मूवी थी, अच्छी मूवी थी है ना। वो बताया पता नहीं लोग इतने इंग्लैंड जाने के लिए पागल क्यों होते हैं, मुझे समझ नहीं आई क्या है ऐसा शाजी। पर शाजी क्यों, यहाँ पाकिस्तान में क्या है जो नहीं है? और पाकिस्तान में जो नवाबी है, जो बादशाह है, आपने मूवी देखने के बाद पता ही चल गया होगा कितने जलील हुए हैं वो लोग हैं। क्या फायदा, उनके पास पैसा है उनके लिए नवाबी है, जो बेचारे ये हैंड टू माउथ है वो तो कोशिश करते हैं ना। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हम लोग पहुंच चुके हैं अंदरूनी शहर, ये आप लोग देख सकते हैं और आजादी चौक है सामने, फिर वही बादशाही मस्जिद आ गई, वो बादशाही मस्जिद आ गई। अब तो मुझे लगता है हम जानी पहचान गए जी, अब हम हो के आए। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे मीनारे पाकिस्तान है, वी विल ट्राई कि हम शाम में इस इधर जाए, शामी लेफ्ट साइड दिखा दिया मीनारे पाकिस्तान। दाता दरबार पहुंच चुके हैं और शाहजमान जो है वो देख की बात कर रहे हैं और ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसी वाइब है यहाँ पे, काफी रश है। और इस टाइम जो है शाहजमान जो है वो देख का चेक कर रहे हैं कि देख के चावल कैसे हैं और ले रहे हैं। शान दुआ कर शान। अब हम यहाँ से पत्तियां ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक मैजिक वाली वो भी है विडोज, और अब यहाँ से फूल लेके आगे चलते हैं। दादा दरबार जो है वो पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट साइड पे जो है वो दादा दरबार, और ये देख सकते हैं कि क्या ये मरकज़े तजल्लियात है, क्या अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, इन्होंने मेहनतें की हैं और इनकी मेहनतें जो हैं वो अब देखें ता क़यामत जो है वो कायम रहेंगी और वो हम लोगों को उसका मिलता रहेगा फैसान। इनका बहुत नेक लोगों की बरकत ही कुछ हो रहे हैं। और हम लोग दादा दरबार पहुँच चुके हैं, हम ये राह चल के इससे आगे चलते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितने जो है वो कबूतर यहाँ पर सुकून से यहाँ बैठे हुए हैं, उड़ते हैं। क्या बात है अल्लाह के नेक बंदों की, क्या बात है। आप किसी चले जाएं बादशाह के कब्र पे या कुछ तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी इस बंदे का इतना जाओ जलाल था और ये और वो ज़िंदगी उसने कैसे काटी। लेकिन आप अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर दिन को जाएँ रातों को जाएँ, ऐसा वहाँ पर
आपको रश मिलेगा, इतनी वहाँ पे रौनक दिए मिलेंगे आपको कि अल्लाह के जिक्र करने वाले की कब्रें भी रोशन रहती हैं। जैसे ही रादारी ख़त्म होती है फिर ये रास्ता आता है और ये सीधा आगे मज़ार की तरफ जाता है, और अब हम जा रहे हैं मज़ार की तरफ और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। बार हम लोग हाजिरी दे चुके हैं और अब मटोरी करके चलते हैं और शाहजहाँ फारिग हो चुके हैं हम लोग, दादा दरबार हाजिरी हो चुके हैं हमारी और अब हम लोग चलते हैं भूख। और एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं फूड स्ट्रीट और चल के देखते हैं कि यहाँ से क्या खाना खाते हैं आज हम, जो है वो क्या क्या खाने की हम मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो रेडी हो रही हैं। और ये आइसक्रीम तो मैंने वापसी पे ज़रूर खानी है, पहले खाना खा लें और फिर वापसी पे ये आइसक्रीम खाते हैं। और ये देखते हैं और कि अब शाहजहाँ आज जो है वो घूम फिर रहे हैं क्योंकि आज हम टाइम पे आए हैं तो हम इंजॉय कर पा रहे हैं, या दिन लंबे हो गए हैं, सर्दियों में दिन छोटे थे बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए थे। वो शायान जो है वो अब निशाना लगा रहे हैं यहाँ पर फूड स्ट्रीट के स्टार्ट में ही, आप लोग देख सकते हैं बड़ा अच्छा सब कुछ है यहाँ पे। ये तो मुझे कर्टन इतने खूबसूरत लग रहे हैं और शायान जो है वो ओह शायान तुम तो बहुत निशानेबाज निकले, और शाहजहाँ उसको गाइड कर रहे हैं। एक शावेश के दो अब और फिर एक मेरा उस्ताजी। और अब शावेश जो है वो अपनी कमजोर नजर से जो है वो निशाना लगा रहे हैं। शावेश वेल डन, शायान आपसे लाइक तो वो निकला। शिवा इतना सोच रहे हो, दोनों ही फोड़े थे। वाओ शावेज ने दोनों की, अब देखते हैं कि शाहमीर क्या करता है। शाहमीर आप ये शाहमीर अच्छा मामा वो अपनी जो है वो बंदूक किसकी नाली कहाँ लेके जा रहे हो, किसको मारना चाहोगे? देखो ब्लू वाला सबसे नीचे जो ब्लू है, पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें इजाजत है तो किसको मारोगे? वो वाओ शामीर ग्रेट। और अब जो है वो शावेज और शायान जो है यहाँ पर एक इनका मशहूर जो रिक्शा है उस पर बैठे हैं, और अब ये रिक्शा लेके कहीं भाग तो नहीं जाओगे शावेज? ओ अली हैदर के घर, कल शावेज ने अली हैदर के घर जाना है डे स्पेंड करने, तो मुझे लगता है वो आज ही चला जाएगा। हाँ हल्का सा चला सकते हो। वाओ नाइस रिक्शा। और खूब थकावट होगी आज सारा दिन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग दादा दरबार गए, फिर हम लोग फूड स्ट्रीट में मौज मस्ती करते रहे, और फिर हम लोग एंड में जो है वो होते होते घूमते घूमते अपनी एक फ्रेंड की तरफ गए, और वहाँ से होके वापस आते आते हमें ये रात हो गई है और खूब थकावट हो गई है। फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, नमाज पढ़ना नहीं भूलना। फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। सब अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़।